और सांप्रदायिक शक्ति को हराएंगे। म्हणजे तुमच्याकडनं आडमुठी भूमिका नसणार आहे याच्यामध्ये? रोकने वाली भूमिका नहीं है। नहीं नहीं, बोलो आग नहीं लगाएंगे। महाविकास अघाड़ी को मजबूत करके चुन कराएंगे, एक एक को जेल भेजेंगे, सांप्रदायिक शक्ति को हराएंगे। म्हणजे तुमच्याकडनं आडमुठी भूमिका नसणार आहे याच्यामध्ये? रोकने वाली भूमिका नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं हम जो है ना, आप रुकेंगे नहीं, मतलब नाराज नहीं होंगे? हम नाराज, हम इसके पर नाराज होंगे? हम खुश होंगे जब हम सांप्रदायिक शक्तियों को हराएंगे। हमने कहा ना कि पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, ये जवाब मिल गया पहले आपको? पार्टी छोटी चला गया, लेकिन देश बड़ा होना चाहिए। लोगों को, सारी पार्टियों को, मैं महाविकास अघाड़ी में जितने लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सीट के ऊपर झगड़ा मत करो, सब मिलकर लड़ो, सब 288 सीट सब अपनी समझो और मेहनत करो, सब सेक्युलरिज्म का प्रचार लहराओ और चुन कराओ। नहीं 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 नहीं, वो बिजनेस कर रहा है, बस बाप काफी है। अजीत पवार कह रहे कि मैं मेरी पार्टी में जितनी भी सीटें मिलेंगी 10% आप मुसलमानों को उम्मीदवार बनूंगा, टिकट दूंगा। असली चेहरा है कि नकली चेहरा है? अब ऐसा मुझे बता दो कि मुसलमानों को टिकट देंगे और वो बीजेपी के साथ हैं तो मुसलमान वोट देगा क्या उनको? उनकी गलत फहमी है। वो समझते होंगे कि अभी उनकी पार्टी का एक आदमी है, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपया दूंगा, खड़े हो जाओ, 5 करोड़ दूंगा, खड़े आदमी ढूंढ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, हमें मिला तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। आप भूल जाओ कि हम आपकी पार्टी से लड़ेंगे, हमको 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ भी दोगे तो आप पार्टी से नहीं लड़ेंगे। नहीं, लेकिन सेकुलर वोट नहीं मिलेगा, अजीत पवार साहब को अच्छी तरह मालूम है। नहीं, लेकिन उनके ही मित्र पक्ष के जो नेता है वो कहते हैं कि हम मस्जिद में चुन चुन के मारेंगे, तो इस विधान को कैसे देंगे? इसीलिए तो हम कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी को मजबूत करके चुन कराएंगे, एक एक को जेल भेजेंगे। समाजवादी पार्टी, दोनों लेफ्ट पार्टीज के नेता आए थे और लोकसभा में ये सभी पार्टी हमारे साथ रही, तो विधानसभा में हम उनको हमारे साथ विधानसभा में क्या दे सकते हैं, उस बारे में जरूर चर्चा हो। आज चौथा दिन है जो हमारी चर्चा चल रही है और बहुत ही सकारात्मक तरीके से चर्चा आगे जा रही है। आज शिवसेना के पार्टी ऑफिस में नाना साहब पटोले कांग्रेस के नेता है और जयंतराव पाटिल एनसीपी के प्रमुख है, हमारे तरफ से हम सब बैठे हैं। वापस चर्चा जारी रहेगी और 2-3 दिन चर्चा चलेगी। कितनी सीटों पे चर्चा हुई अब तक? ऐसा है कि हर सीट पर चर्चा होती है, हर सीट पर हमको बीजेपी को हराना है।